लड़की पटाते वक्त क्या तय हुआ था? रितु ने एक को पसंद किया तो बाकी के तीन घोड़े शराफत से मैदान छोड़ देंगे। अब उसने मुझे पसंद किया तो मेरी क्या गलती यार? तुम लोगों को जलन हो रही है, जलन। रितु का प्यार प्यार नहीं, गलतफहमी का शिकार है। झूठ का पर्दा साफ होते ही तेरा लंका दहन हो जाएगा, ये लिख ले। जब उन्हें पता चलेगा ना कि तेरी जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं है, साले बिना जेब के कपड़े पहनाएंगे तुझे। चक्की पिसवाएगी, इसको इतनी समझ नहीं है रे। अरे रितु को पता चलने का सवाल ही नहीं होता, लेकिन तुमसे मेरा सुख देखा नहीं जाएगा ना, उसके कान भरने के बाद ही खर्राटे भर पाओगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इससे पहले कि तुम्हारी पेट के कीड़े उछल उछल कर रितु को ये बात बताए, मैं खुद ही जाकर रितु के सामने सब सच जुगल दूंगा। दूध का दूध पानी का पानी, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन आज के बाद हमारा कोई रिश्ता नहीं, यारी दोस्ती खत्म, गुड बाय। आ गई डायन भाड़ा मांगने। अबे ये कमीनी रोटी की जगह नोट खाती है क्या? मैं तो कहता हूँ ये रूम ही छोड़ देते। तेरे लिए 5 स्टार में रूम बुक करा लो। जाके कह दे उसे मर गए। ठीक है। नमस्कार, पहचाना? मैं बैंक मैनेजर श्रीनिवास जैन। आपके घर गया था तो आपका नौकर, सॉरी सेवक बोला कि आप यहाँ पर हैं, इसलिए मैं यहाँ चला आया। माफ कीजिए, लेकिन मेरा एक पल और रोकना मुश्किल था, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आप कौन हैं, क्या हैं? बिना जाने मैंने आपके लोन की अर्जी ठुकरा दी। आपको लोन चाहिए था ना? मैं आपको कितना भी लोन देने के लिए तैयार हूँ, बस सिर्फ आप एक बार बोलिए कि आपने मुझे माफ कर दिया, प्लीज। लोन मिलेगा? हाँ मिलेगा। आपने 4 मांगा था ना, मैं आपको 8 दूंगा, वो भी बिना किसी गारंटी के। क्या हुआ इसे, इसका दिमाग खराब हो गया क्या? हाँ? ये फूल और मिठाई भी है, असली घी की है। बधाई हो, बधाई हो। कल से आप त्रिपाठी गार्मेंट्स के सर्वे सर्वा हैं और आपका अकाउंट हमारे बैंक का सरताज है। मैं तो गधा हूँ, मेरी गलती की सजा मेरे बैंक को मत दीजिए, प्लीज खाता बंद मत कीजिए। अरे आइए ना, बैठिए, चल मेरे साथ। इधर आ, एक बात बता, ये मैनेजर तुझे माफी क्यों मांग रहा था? उसने देख लिया था मुझे उसके घर पे, लगाई था मुझे। देख भाई, तेरी जिंदगी तो बन गई, अब हमारी भी जिंदगी बना दे। अगर ये लोन मिल गया ना तो सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। देखो मैं इस लफड़े में पड़ने नहीं वाला, मैं रितु को धोखा नहीं देने वाला। अरे धोखा तो हम भी नहीं देना चाहते, लेकिन ये जीने मरने का सवाल है ना। और बाद में गंगा नहा के पाप धो डालेंगे, है नहीं? नहीं बस, अब मैं रितु को झूठ नहीं बोलने वाला। क्यों भाई, तेरे बाप का नाम हरिचंद्र था क्या? देख तू बोल, सच बोल। लेकिन कुछ दिनों के बाद यार, मामू का पैसा नहीं दिया तो मामू खाल की पतंग बनाकर बेचेगा। अब और कितने दिन तक बोलना पड़ेगा ये झूठ? बस लोन मिलने तक। और ये लोन कब मिलेगी? उसी से जाके पूछते। चल। सर, पैसा हाथ में आते आते कितना टाइम लगेगा? आप बस कल सुबह बैंक आ जाइए, फॉर्म भर के साइन कर लीजिए और 2 हफ्ते में पैसा आपके हाथ में। ठीक है ठीक है, तो हम दोनों आ जाएंगे। क्या टाइम आना पड़ेगा? बैंक खुलते ही 10 बजे आ जाइए। ओके ओके। लेकिन इन्होंने मुझे अब तक माफ नहीं किया। अरे कर दिया माफ, हम लोग का दिल बहुत बड़ा अंकल, हम लोग ने उसी दिन आपको माफ कर दिया था। हम लोग आते हैं यहाँ कल 10 बजे। बाय बाय। अबे हट, चले। यू कम हियर। किस कुत्ते ने छुआ था कल अपन के भाई को? भाई आए नहीं निकम्मे आज, वो आए तो ये नंबर दे देना और बोलना कफन सिलवा के तैयार रहे। बोल घर पे भिजवा दूं या ऊपर पहुंचाने के बाद पहनवा दूं। चल भाई। सर आप कभी मिले अपने नए एमडी साहब से? नहीं मिस्टर जय से अभी तक तो कोई मुलाकात हुई नहीं, सिर्फ नाम ही सुना है। 10 बजे बोला था आते ही होंगे। राहुल साहब ने रितु की शादी इसी लड़के के साथ तय की थी, मिस्टर जय के साथ। ये लो आपके 100 रुपए हैं। तो भी लोन हाथ से जाएगा और नहीं गया तो भी लोन हाथ से गया, तो अब क्या करें? अरे सुन, अब से ऑफिस का जय तू और घर का मैं। अरे लोन चाहिए कि नहीं? अरे मुझे तो ऑफिस का आ भी नहीं आता। अरे कुछ नहीं यार, ओके थैंक यू, बाय बाय, गेट मी कॉफी, इतना तो आता है ना, बोलते रहे बस। मेरे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर। अरे यार तू सुन, आई विल सी इट, ऐसे करके पेपर्स घर ले आना, मैं साइन करके तुझे वापस दे दूंगा, बस खत्म हो गई बात यार, कुछ करना नहीं है इसमें। और रितु का फोन आ गया तो? अरे रितु का फोन आया तो बोल देना मुझे, मोबाइल पर फोन करके। और क्या, चल पैंट निकाल, मैं शर्ट निकालता हूँ। चल 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 चल, जल्दी बात मत कर, बात मत कर। ऐसा
लगता है यही अपने साहब है ये। हाँ, अभी तो यही आने वाले थे। पता नहीं कैसा बॉस है। मिस्टर जय, वेलकम। तुमसे कुछ बात करनी है। तुम? मैं ऋतु त्रिपाठी, राहुल की बहन। कौन राहुल? वही राहुल जिसे तुम बेहद प्यार करती थी। गुड मॉर्निंग सर। सर, दिस इज आवर कंसाइनमेंट इनवॉइस फॉर एक्सपोर्ट टू यूके एंड। हिंदी में बात नहीं कर सकते? हिंदी में बात करो ना। नहीं, मतलब ये था कि ये जो यूके में हमारा कपड़ा जाता है उसके सिलसिले में ये है, तो इसको साइन करना है आपको। हाँ, यहाँ पे। ठीक है, तुम यहाँ रख दो, तुम जाओ। अब पहले मैं कागज घर पे ले जाता हूँ, फिर पढ़ता हूँ, फिर साइन करके लाता हूँ, तुम जाओ। नहीं सर, ये बहुत अर्जेंट है। तो तुम खुद ही कर लो। नहीं, मैं साइन नहीं कर सकता सर। एक साइन नहीं कर सकते, फिर इतना बड़ा कंठ लंगोट पहन के इतनी मोटी पगार क्यों लेते हो? नहीं नहीं, मेरी अथॉरिटी नहीं, मतलब मेरा अधिकार नहीं साइन करने का सर। ये आपको ही करना पड़ेगा। मैं आज व्यस्त हूँ और मेरी मीटिंग भी है, मैं आज साइन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आज बुधवार है और बुधवार को मैं कागज कलम छूता नहीं हूँ। बुधवार को मतलब? अरे तुम जाओ, तुम चक्कर मत पड़ो, तुम जाओ 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 जाओ। बुधवार को? हाँ हाँ जी, जाओ जाओ। फंसा जाओ ना यार तुम। नहीं नहीं, कुछ नहीं सर। सर साइन हो गई। अरे नहीं यार, ये नमूना त्रिपाठी जी को किस मेले में मिला होगा, वो भी ऋतु के लिए। आधा तीतर आधा बटेर, टोटल बेजोड़। अरे सर, आया जब से चपरासी को भेजकर कुछ ना कुछ खाने को मंगवाते रहता है, अखा दिन चढ़ते रहता है। अच्छा, लेकिन वो कहते ना, अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। तो फिर क्या हाथी क्या मोर, सब बने गधे के कदरदान। कहाँ से खरीदा मलबा? वो नीचे है ना पांडे जी, पान वाले। तो पान वाले को बोलो कि पान लगाना छोड़ के वो जूते चमकाना शुरू कर दे। कहते हैं कि पान और ईमान फेरते रहना चाहिए, फिर मटके में बांधे चूने की उंगली को पान पे यूं घुमाना चाहिए, यूं घुमाना चाहिए कि पान ना हो किसी गोरी का गाल हो, है? फिर थोड़ी रातरानी चटनी, थोड़ा नवरत्न की माम और कत्था है, कत्था असली अरारोट नहीं। ओए होए, फिर जो पान लगे साला मुर्दा उठ के खड़ा हो जाए, और उसको नहीं मालूम है पान कैसे लगा जाता है, तो उसको बोलो मैं उसको सिखाता हूँ कैसे पान लगा जाता है। ये उठपटांग बातें तुम्हें किसने बताई? राहुल भैया के करीबी दोस्तों ने। तुम्हारी बातों में सच्चाई है रितु, मैंने प्यार किया था और शादी भी करने वाली थी, लेकिन जय से, राहुल से नहीं। जय? राहुल भैया का जिगरी दोस्त जय? हाँ, तुम झूठ बोल रही हो। रितु, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? वो इसलिए क्योंकि जय की और मेरी शादी होने वाली थी, राहुल भैया ने तय की थी। मालूम है, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि जय मुझसे प्यार करता है। ओह, तो जय तुमसे प्यार करता है? बेशक। तो प्यार करता है तो शादी क्यों नहीं की? जिंदा होता तो जरूर करता। जय जिंदा है, बिल्कुल जिंदा है। नहीं रितु, तुम्हारी बात करवाऊं उसे अभी के अभी? तुम्हारे सारे झूठ पकड़े जाएंगे। क्या हुआ? फोन नहीं लग रहा है, तुम चलो मेरे साथ। सर, रितु मैडम का फोन है। उनका फोन है तो उन्हें दे, क्या हो, मुझे क्यों दे रहे हो? नहीं नहीं, आपसे बात करना चाह रहे हैं। नहीं नहीं, उनसे बोलो मोबाइल फोन करें। नहीं, आपका मोबाइल लग नहीं रहा है इसलिए मेरे मोबाइल पे किया। तो उनसे बोलो मोबाइल जोर से पटके, या तो मोबाइल को लगेगा या मैडम खुद को लगेगा। आपकी क्या लड़ाई हुई है उनसे? ये पूछना तुम्हारा काम नहीं, लड़ाई उनसे नहीं, वो बात करना चाह रही है, बहुत अर्जेंट है। देखिए, मैं बात नहीं कर सकता, देख नहीं रहे हो मैं कितना बिजी हूँ? हाँ हेलो, वो जूस पीने में बिजी है। सतगोले से कह रही है, अर्जेंट है। अरे जाओ ना यार, फोन क्या, मैं सांस भी नहीं ले सकता, जाओ जाओ। वो आपसे ऑफिस मिलने आ रही है। अरे क्या कर रहे हैं आप? अरे जाकर मेरी बात तो सुनिए, अगर वो आएंगे तो मैं उनको क्या बोलूंगा? उससे कहना कुएं में कूद के मर जाए। गड़बड़ है।